मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जानना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अगर कोई भी मैसेज प्राप्त होता है जिसको आप बिना पढ़े फॉरवर्ड करते हैं, और ऐसा मैसेज किसी भी प्रकार से कोई सांप्रदायिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करता है, तो आप भी उतने ही अपराधी हैं जितना वो जिसने ये मैसेज इनिशियली भेजा था, और आपके विरुद्ध आईटी एक्ट की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरी अपील रहेगी सबसे कि किसी भी प्रकार के मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले यह ध्यान दें कि मैसेज कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना करे। दूसरा, अगर हमारी ओर से पुलिस सोशल मीडिया की निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर निरंतर हमारी एक टीम वर्क कर रही है, और ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेजेस को हम लोग तुरंत संबंधित थाने को इन्फॉर्म करते हैं और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इसमें बिल्कुल अलर्ट है, सोशल मीडिया की निरंतर मॉनिटरिंग हमारी एक टीम द्वारा की जा रही है, साथ ही साथ थाने भी इसमें मॉनिटर कर रहे हैं, और यदि किसी भी प्रकार का ऐसा मैसेज हमें सोशल मीडिया पर मिलता है तो संबंधित के विरुद्ध आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया पे कोई भी अपशब्द बातें कहना वो बहुत गलत है, और ये इलेक्शन का दौर है हमारे देश में, क्योंकि पूरे देश की नज़र इस इलेक्शन पे रहती है, और इस बारे में कुछ भी कहने से, लोगों को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसका असर तो पूरा दिखता है नेताओं की छवि पर, लेकिन अब जनता को इस बात को लेके उनको उनको ही विचार करना पड़ेगा कि उनको किसे चुनना है और कौन कैसा है। इस प्रशासन को इस पर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए, खासतौर से इलेक्शन के टाइम पे उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शब्द